हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल। हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी हेयर फॉल नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो कुछ प्रिवेंशंस भी होते हैं कि आप उसको प्रिवेंट किया जा सकता है स्टार्टिंग में ही बिना किसी मेडिसिन के भी। तो उसको मेडिसिन के लिए कुछ जनरल चीजें होती है जो कि सभी लोगों को नहीं मालूम होती, या मालूम भी होती है तो उस चीज पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे केयर की जाती है आपके हेयर्स की। नॉर्मली लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो अलग से ध्यान दे हेयर्स पे, बट कुछ रूटीन की चीजें हैं जो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे वो, तो उससे आप प्रिवेंट किया जा सकता है हेयर फॉल्स को। तो सबसे पहले आपके हेयर्स का टाइप आपको जानना जरूरी होता है कि वो किस टाइप के हैं आपके हेयर्स, मतलब ऑयली हैं कि ड्राई हेयर्स हैं। अगर आपको ऑयली और ड्राई कैसे मालूम चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम हमारे हेयर्स कैसे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो बोलते हैं मैम हमको नहीं मालूम मेरे हेयर्स कैसे हैं, कि वो ऑयली है कि ड्राई है। तो ड्राई हेयर्स पता करने के लिए एक प्रोसेस होती है कि जब भी आप शैम्पू करते हैं, कोई हार्ड शैम्पू यूज करते हैं, तो आपको बहुत ड्राई फील होना, बहुत मतलब शैम्पू करने के बाद आपको ऐसा खिंचा खिंचा सा लगेगा, स्कैल्प खिंचाव आ रहा है और आपके हेयर्स जो रहते हैं बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, टूटते हैं जल्दी, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। आप थोड़ा भी आपने अगर कॉम नहीं किया, खुले बाल रह गए तो आपके उलझ जाना, बहुत आप ऐसे फिंगर्स डालेंगे तो फंस जाना, तो ये जनरली ड्राई हेयर्स के सिम्टम्स होते हैं। और अगर ऑयली हेयर्स हैं तो आप शैम्पू करते हैं या तो इवनिंग में ही बहुत ज्यादा ऑयली है तो, और अगर थोड़े कम ऑयली है तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट के थर्ड डे तक आपके बहुत ज्यादा ऑयल आ जाना। मतलब जनरली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैम हम शैम्पू करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे चिपकू बाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, कुछ भी करो तो पफिनेस आती नहीं है, उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, तो ये जनरली ऑयली हेयर्स में होता है। और जिनके ड्राई होते हैं उनके फिजी रहते हैं ऑल टाइम, वो बोलते हैं हम सेट करते हैं फिर भी फिजी टाइप के उड़ने लग जाते हैं, बाल कड़क हो जाते हैं, कड़े रहना, तो ये ड्राई और ऑयली हेयर्स को पहचानने का तरीका है। तो सबसे पहले हमने जाना कि हमारे ऑयली हेयर्स हैं कि ड्राई हेयर्स, क्योंकि दोनों की केयर अलग अलग होती है। अगर आपके ड्राई हेयर्स है तो मतलब आपको ज्यादा बहुत ज्यादा उसके लिए आपको ऑयलिंग की जरूरत है प्रॉपर सब है। फिर सेकेंडली आते हैं कि लोग ऑयलिंग से बचते हैं आज की डेट में, कि ऑयल लगा के हम बाहर जाएंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, देन अगर आप हम ऑयल लगाते हैं तो हमारे हेयर्स ज्यादा झड़ते हैं। तो ये सारी समस्याओं के लिए ये है मेन कि कभी ऑयल जो होता है आपके बालों का जो फूड है वो ऑयल ही है। जब आप ऊपर से ऑयल लगाएंगे जड़ों में वो एब्जॉर्ब होगा तभी आपको वहां से न्यूट्रिशंस मिलेंगे। इंटरनल न्यूट्रिशंस तो आपको मिलते ही है, उसके लिए आपको प्रोटीन की चीज, प्रोटीन से बने हुए हेयर्स होते हैं तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। बट अगर आपके ऊपर से ऑयल नहीं जाएगा तो अगर आपके रफ ड्राई हेयर्स हैं तो अगर आपको ऊपर से ही उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे हेल्दी रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑल टाइम आप ऑयल लगा के रहो। आप ऑयल के लिए ये कर सकते हैं कि एक तो कभी भी ऑयल आप लगा के हमेशा मत रहिए, क्योंकि मैं भी मना करूंगी ऑयल लगाने के लिए, मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ आप फुल डे ऑयल लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑयल लगा के बाहर निकलते हैं तो उसमें और ज्यादा डस्ट बैठती है और वो और डर्ट होते हैं और उससे डैंड्रफ और अदर इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा आप एक तो आप क्लीनिंग जल्दी जल्दी करिए, आप वीकली 15 डेज में अगर क्लीनिंग करते हैं तो ये गलत है। आप अगर 3-4 डेज में क्लीन कर लेते हैं अपने हेयर्स को, शैम्पू कर लेते हैं तो अच्छा होता है। देन क्लीनिंग के पहले जब भी आप शैम्पू करते हैं उसके पहले आप ऑयलिंग करिए। देन लोग जो आजकल ऑयलिंग छोड़ते हैं कि हमको ऑयल लगाने से और ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो ये क्यों होता है वो मैं बताती हूँ। ऑयल क्या होता है, आपकी अगर हेयर फॉल है और आप अगर रूट्स में ऑयलिंग करते हो, मसाज करते हो, लोग बोलते हैं उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसाज करने से आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात सही है कि ब्लड सर्कुलेशन हेयर के लिए जरूरी है, बट आपका तरीका गलत है। अगर आपको हेयर फॉल है, आपकी रूट्स वीक है, कमजोर है और उसमें आप अच्छे जोर जोर से हेयर मसाज कर लोगे, तो कोई भी कमजोर चीज है और उसको आप जोर जोर से हिला दोगे तो क्या होगा, हेयर फॉल ही होगा, उसमें बढ़ेगा ही। तो कभी भी हेयर फॉल के टाइम पे मसाज आपको नहीं करनी होती है, हमेशा उसको हल्के हाथों से आपको सिर्फ एब्जॉर्ब कराना होता है। धीरे धीरे आपके खुद देखेंगे कि उसमें चेंजेस दिखाई देंगे और आपकी रूट्स मजबूत होंगी और आपको हेयर फॉल कम होगा। जब हेयर फॉल नहीं होता है जिन लोगों को, वो हफ्ते में एक बार मसाज कर सकते हैं, बट आप रेगुलर सोचो हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए मसाज करोगे जोर जोर से तो हेयर आपको टूटते हुए ही मिलेंगे। तो कभी भी आपको मसाज ऐसे नहीं करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक्सरसाइज है, जिम जाना आज की डेट में हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है और बहुत अच्छी चीज है, बट कोई मलेरिया के पेशेंट को, टाइफाइड के पेशेंट को आपको बोल दो जाके जिम करो तो क्या करेगा,
वो वहीं बेहोश हो जाएगा। तो वही चीज है कि आपके रूट्स भी अभी वीक हैं, बीमार हैं, और उसमें आप मसाज करोगे जोर जोर से तो वो भी टूटेंगे ही। तो आपको कभी भी ऑयलिंग करना है बट शैम्पू के पहले करना है, पूरे दिन लगा के नहीं रहना है और मसाज नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से उनको मल देना है। और जिनके ड्राई हेयर्स है उनको हफ्ते में जितनी बार भी वॉश करते हैं 2-3 times उतनी बार आपको ऑयलिंग करनी है। और जिन लोगों के ऑयली हेयर्स होते हैं उनको हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करनी है, क्योंकि उनके ऑलरेडी सीबेस ग्लैंड बहुत एक्टिव है और उनको अपने आप अंदर से ऑयल बन रहा है, बट एक्सटर्नल ऑयल भी जरूरी होता है, तो हफ्ते में एक बार करें। और साथ में मैं आपको बताऊंगी, इससे भी आपका हेयर फॉल धीरे धीरे आपको प्रिवेंट करेगा और कम है तो आपका कंट्रोल होगा इससे ही बिना किसी मेडिसिन के। दूसरा आपको बताती हूँ क्लीनिंग के लिए जो शैम्पू यूज करते हैं, तो नेक्स्ट शैम्पू जो होता है, आप बहुत लोग बोलते हैं कि जो बहुत अच्छा शैम्पू है इसे एक बार वॉश करो पूरा ऑयल निकल जाता है, तो वो शैम्पूज क्या होते हैं, मतलब वो बहुत हार्ड शैम्पू है। वो हार्ड शैम्पू जो होता है आपकी रूट्स को डैमेज करते हैं धीरे धीरे, और डैमेजिंग क्या करती है, वीक करती है रूट्स को, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि आपको जो शैम्पू यूज करते हैं, या तो अगर आप हार्ड शैम्पू यूज करें तो उसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, पानी में डाइल्यूट करने से उसकी हार्डनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर वो एक बार में आपका ऑयल नहीं निकालता है तो उसको आप 2 times यूज करिए, एक बार वॉश करने के बाद, रिंस करने के बाद 2nd time फिर से लगा लीजिए, तो उससे आपका क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, ऑयल भी प्रॉपर निकल जाता है। और वैसे तो कोशिश करें सबसे माइल्ड शैम्पू यूज करें, और माइल्ड शैम्पू को भी पानी में डाइल्यूट करके 2 times यूज करें, बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू यूज नहीं करें। देन आते हैं नेक्स्ट आपका, कभी भी लोग होते हैं जो लोग ऑयल लगाना चाहते हैं तो वो बोलते हैं गीले बालों में ऑयल लगा लो तो सॉफ्ट हो जाते हैं, बट आपको हमेशा ये करना पड़ता होगा, आपके सुधरते तो नहीं है। जो आपके अगर रफ बाल हैं और आप गीले बालों में ऑयल लगा लेते हैं तो सिर्फ उस टाइम के लिए रहता है जब तक ऑयल रहता है बालों में, जैसे ही ऑयल खत्म होता है आपके बालों का आपके फिर वापस से रफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके बालों में ऑयल लगा है वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल हेयर्स में ही लगा है, इंटरनल रूट्स में वो लगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गीले बालों में आपने ऑयल लगाया है तो गीले बालों में पानी में क्या होता है, ऑयल जो है हमेशा ऊपर सरफेस पे रहता है, कभी भी वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, नीचे नहीं जाता है। तो ऐसे ही आपके अगर स्कैल्प पे एक लेयर है वाटर की तो उस पर ऑयल जब लगाएंगे तो वो एक सरफेस पे ऊपर ही रहेगा, वो इंटरनल रूट्स पे नहीं जाएगा, और हमको जरूरत है अपने रूट्स पे ऑयलिंग की। अगर रूट्स में न्यूट्रिशन मिलेगा किससे, रूट्स से मिलता है न्यूट्रिशन आपके ऑयलिंग से, तो रूट्स में जाके ही आपको जरूरत होती है। तो ये एक कुछ चीजें हैं जो आपको प्रिवेंट कर सकती है हेयर फॉल से, जो आप नॉर्मल लाइफ में ही रूटीन में आप सिर्फ चेंजेस लाएंगे और उससे आपको काफी ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। देन आपको इसके लिए डाइट तो अपनी बढ़ानी होती है, अपने हेयर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी होती है। आपको एंटीऑक्सीडेंट जो डाइट्स होती है, टमाटर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीजें लेनी होती है, ड्राई फ्रूट्स लेने बढ़ाने होते हैं अपने लाइफ में, तो ये थोड़ा सा डाइट्रिक भी चेंजेस लाने से भी चेंजेस मिलता है आपको। और इसके अलावा भी अगर आपका ठीक नहीं होता है तो आप मुझसे कंसल्ट जरूर करें, तो मैं आपके हेयर फॉल को 2 months के 3 months के ड्यूरेशन में ही ठीक कर दूंगी। थैंक यू।